तो नमस्कार, सत श्री अकाल और जय श्री राम। हम आ चुके हैं वापस से 10th आईसीएसई का आपका वीडियो लेके। एक बार पढ़ेंगे, आंखें बंद करके हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, फिर आप कहेंगे चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस और बहुत ही बढ़िया वीडियो, कहाँ थे सर आज तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितने भी नए लोग हमारे चैनल पे आए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे पढ़ें और ये चोटी कटवाई जा सके। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईसीएसई का एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स वन शॉट। और बार बार पता नहीं कौन इसे खाते पीते घर का कर देता है। तो हम पढ़ने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। अब रूट तो आपको पता होगा जड़ें होती हैं। जड़ों का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और पूरे प्लांट को देना। पर अब सवाल आता है क्यों, वायु कट यू है दो, ऐसा क्यों करते हो तुम? तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों करते हैं। तो ये आपको छोटा सा सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है जहां पे दिख रहा है वाटर रूट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, प्लांट से ऊपर जा रहा है और इधर से बाहर निकल जा रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? तीन चीजें आपको दिखी, वाटर एब्जॉर्प्शन, वाटर ट्रैपिंग थ्रू प्लांट और वाटर इवोपरेट फ्रॉम लीफ सर्फेस। पर हम ऐसा कुछ भी नहीं लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ना हो। हमारी बात तो अलग है, हम लोग ले लेते हैं, पर प्लांट्स ऐसा कुछ नहीं करता है। प्लांट्स वही लेगा जिसकी उसे जरूरत हो। ऐसा किसी दिन आपको नहीं दिखेगा कि प्लांट चोरी चोरी आपके घर के बाहर ऐसे ऐसे आ रहा है और आपको ऐसे खा गया, ऐसा तो होता नहीं है। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्लांट को उसकी जरूरत नहीं है। तो प्लांट ये एब्जॉर्प्शन कर क्यों रहा है? तीन इंपॉर्टेंट काम है जिनके प्लांट्स ये काम कर रहा है। सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। आप सबने आशीष चंचलानी की वीडियो देखी होगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? चार पेड़ गोइंग ऑन अ पिकनिक, क्लिक फोटो, घर आए, फोटो सेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप, फोटो सीन, फोटो यहाँ है, फोटो सीन दिस इज। तो इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पर जितने लोग सोच रहे हैं कि सर ये क्या बोल रहे हैं, तो आज हम थोड़े से मजाक के मूड में। आइए जानते हैं कि प्लांट्स आके एब्जॉर्प्शन करता क्यों। सबसे पहला रीजन है बच्चों फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो कि हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है उसको यूज करके हम ग्लूकोज बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो सबसे पहला रीजन जिसके लिए वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है वो है फोटोसिंथेसिस। दूसरा रीजन है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। पर ये कैसे होगा? एक सेकंड बच्चों, थोड़ी सी यही मजबूरी चल रही है, ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और एब्जॉर्ब करके ऊपर लूज करता है। इसके बाद जो तीसरा काम होता है वो होता है टर्जिडिटी। अब टर्जिडिटी क्या होता है? प्लांट्स आप देखेंगे, अगर आप प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स मुरझा जाते हैं। प्लांट्स अपने नॉर्मल कंडीशन, इरेक्ट कंडीशन में रहें, उस कंडीशन को हम कहते हैं टर्जिडिटी। और प्लांट्स टर्जिड रह सकें लगातार, इसीलिए प्लांट्स में वाटर एब्जॉर्ब होता है। चौथी बात जिसके लिए वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड एंड वाटर। खाना पानी पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो सके उसके लिए एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि एक जगह खाना बन रहा है, अब उसको हर जगह ट्रांसफर कराना है। तो वाटर एब्जॉर्ब होगा, हर पार्ट पे मूव करेगा और मूव करते करते खाना पहुंचाते चला जाएगा। जैसे पंगत में लोग बैठे हैं, हम इधर से निकल रहे हैं तो हम कुछ सब्जी लेके निकल रहे हैं, तो हम सब्जी दे दी कि लो भाई, क्योंकि हम उधर से गुजर रहे हैं। बात समझ में आई? वैसा ही काम वाटर भी करता है। अब कितने मैकेनिज्म से ये वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है? सबसे पहला तरीका है इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सरफेस ऑफ डेड सेल्स। कुछ डेड सेल्स होती हैं, उनके सरफेस पे जैसे ही वाटर आएगा वो एब्जॉर्ब करने लगती हैं। और कोई भी चीज़ जब सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करती है तो उसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन। इसी के कारण सीड्स की स्वेलिंग होती है जर्मिनेशन में। कई बार आप देखेंगे बारिश में जो वुडन डोर्स होते हैं जिन पर लगातार पानी पड़ता है वो भी स्वेल होने लगते हैं। पर इम्बाइबिशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सरफेस से होगा और डेड सेल्स का होगा, ये दो इंपॉर्टेंट चीज है। आइए इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपको हम दिखाते हैं। तो ये चैनल है बहुत बढ़िया सा, आईमेट फाउंडेशन, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें एक शॉर्ट्स है, वैसे तो बच्चों आपको इसमें सारे वीडियोस भी दिख रहे होंगे, क्लास 10th और 12th के प्लेलिस्ट भी सारी दिख रही होंगी आपको 10th और 12th की, है ना।
तो वैसे ही इम्बाइबिशन एक्सप्लेन करने के लिए इसमें बहुत छोटा सा शॉर्ट्स है आपको दिखाते हैं हम। आपसे हमने बताया कि स्वेलिंग ऑफ सीड्स, ये देखिए इम्बाइबिशन एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ये सीड्स आपको दिख रहा है, ये सीड्स का टाइम लैप्स बनाया गया है, देखिएगा ये कैसे स्वेल करते हैं। देखिए ये हम इम्बाइबिशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, हमने वाटर डाला, अब वाटर के बाद हम सीड डालेंगे इसमें। नॉर्मल अभी आप सीड्स की साइज देख रहे हैं, सीड्स की साइज देखिए क्या है, सीड्स एकदम स्वेल नहीं है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में है, पर अब इनको थोड़ी देर के लिए हमने इस वाटर में रखा और आप देख रहे हैं ये स्वेल हो रहा है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि वाटर यहाँ से इनके अंदर जा रहा है, देखिए अंदर जा रहा है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्बाइबिशन कहते हैं, जो डेड सेल्स से होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमें एक लाइक जरूर दीजिएगा हमारे चैनल पे जाके, और आइए वापस चलते हैं आपके टॉपिक पे। वापस से चलते हैं आपके टॉपिक बच्चों। तो इम्बाइबिशन आपको समझ में आ गया। अगला होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में सॉल्यूट का मूवमेंट होता है अपने हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। आप सभी ने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा जहां पे आपने देखा होगा कि जब वाटर भरा होता है और इसमें आप कोई कलर डालते हैं, होली होली में आपने ये बहुत किया होगा, आप कलर डालते हैं तो कलर इनिशियली एक पॉइंट पे रहता है और धीरे धीरे ये आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये कलर पूरी जगह में फैल चुका है। ये क्या किया, अपने हायर कंसेंट्रेशन के रीजन से लोअर कंसेंट्रेशन के रीजन पे गया। इसकी भी आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। देखिए अभी आपको दिखेगा, अभी देखिए इतने में है, इतने में यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां आएगा, ये कैसे आ रहा है बच्चों, देखिए इतना ही है, फिर धीरे धीरे पूरे में फैल गया। इसका हायर कंसेंट्रेशन इतने में था, कि इतने में इसका हायर कंसेंट्रेशन आपको दिख रहा है, फिर धीरे धीरे ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर की तरफ बढ़ता गया, और इसी को जब सॉल्यूट हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ बढ़ता है तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। क्या कहते हैं बच्चों, डिफ्यूजन। आइए वापस चलते हैं डिफ्यूजन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका होता है वो होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन, इज सेम एज डिफ्यूजन बट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको लिख देते हैं, इट इज सिमिलर टू डिफ्यूजन बट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बच्चों सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या आता है, ये क्वेश्चन आता है। आप जब किसी भी मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो मेम्ब्रेन तीन टाइप के होते हैं, ऑन द बेसिस कि वो किसको अलाउ कर रहे हैं जाने के लिए अपने थ्रू और किसको नहीं अलाउ कर रहे हैं। एक होता है फ्रीली परमिएबल, एक होता है इम्परमिएबल और एक होता है सेमी परमिएबल। फ्रीली परमिएबल वो होता है जो सबको अलाउ करता है जाने के लिए, किसी को नहीं रोकता है। जैसे कि हमने गेट बना दिया, अब वो गेट से कोई भी आ सकता है, मच्छर आ सकता है, इंसान आ सकते हैं, दैट इज फ्रीली परमिएबल। सेमी परमिएबल मच्छरदानी है कि हमने बंद कर दी तो मच्छर अंदर नहीं आ सकते हैं, ठीक है, या तो जाली होगी कि छोटे मोटे कीड़े आ सकते हैं, बड़े जानवर नहीं घुस सकते हैं, जैसे बिल्ली उल्ली नहीं घुस सकती है, वो होता है सेमी परमिएबल। और इम्परमिएबल दीवार होगी, आसपास कोई नहीं जा सकता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे अगर हम इससे लड़ रहे हैं तो हम इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, ये इम्परमिएबल है। तो ऐसी कोई भी मेम्ब्रेन जो किसी को ना आने दे, दैट इज इम्परमिएबल, जो कुछ लोग को आने दे और कुछ लोग को ना आने दे वो सेमी परमिएबल, और जो सबको आने दे किसी को ना रोके दैट विल बी फ्रीली परमिएबल। तो ये जो होते हैं ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के लिए हमें हमेशा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चाहिए। ऑस्मोसिस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आपको दिख रहा होगा, एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में बाहर से अंदर की तरफ जाता है, बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होता है, नेट मूवमेंट, जिसके कारण सेल टाइट हो जाते हैं, और एक्सोऑस्मोसिस में अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ठीक है।
ये दोनों कहानी आपको समझ में आ रही होगी। अब जो टॉपिक आपको जानना है दैट इज टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी क्या होता है? ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस द कॉन्टेंट्स ऑफ सेल, द कॉन्टेंट्स ऑफ सेल आर पुश्ड अगेंस्ट द वॉल मेकिंग द सेल रिजिड, मतलब फुल्ली रिजिड नहीं टाइट कह सकते हैं, मेकिंग सेल रिजिड। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, आपको दिखाते हैं ये बात। देखिए एंडोस्मोसिस हो रहा है तो ये टाइट होता जा रहा है, एकदम टाइट हो गया। देखिए ये जो कॉन्टेंट्स हैं सेल वॉल के अगेंस्ट दब जाएंगे और ये एकदम ही टाइट हो जाएगा पूरी तरीके से, उस कंडीशन को हम टर्जिड कंडीशन कहते हैं। जैसे बैलून है, यहाँ पे अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक होता है तो हम आपको जरूर दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए हमें एक प्लास्टिक मिल गया, आई होप इसमें छेद ना हो, और इसमें छेद है। चलिए तो हम यहाँ से मोड़ते हैं। जैसे ये एक सेल है मान लेते हैं, ये एकदम फ्लैसिड है, एकदम देखिए फ्लैसिड है, पर अगर हमने इसमें हवा भर दी, हवा भरने के बाद एकदम टाइट हो जाता है और टाइट कंडीशन को ही टर्जिड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, टर्जिड कंडीशन एंडोऑस्मोसिस के कारण होता है जो कि आपको दिख रहा है, पर अगर एक्सोऑस्मोसिस होगा तो सेल एकदम श्रिंक कर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, और उस कंडीशन को हम फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। व्हेन सेल्स श्रिंक ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस देन द कंडीशन ऑफ सेल, देन कंडीशन ऑफ सेल इज सेड टू बी फ्लैसिड। ठीक है, और ये फ्लैसिड के प्रोसेस को कहीं कहीं प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस भी कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि एंडोस्मोसिस होगा या एक्सोस्मोसिस होगा? तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन के बेसिस पे तीन टाइप के सॉल्यूशन बच्चों बताए गए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन बच्चों बताए। अब क्या होता है ये हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। जब दो सॉल्यूशन कांटेक्ट में होंगे तो एक सॉल्यूशन ज्यादा होगा और एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा, तो जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा दैट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विथ हाइयर कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन विथ हाइयर कंसंट्रेशन, जहां से एंडोस्मोसिस होगा, और जो दूसरा कांटेक्ट में है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। जैसे कि यहां से वाटर अंदर जा रहा है तो हाइयर टू लोअर जाता है, तो बाहर का जो नेचर होगा वो हाइयर होगा, अंदर का नेचर जो होगा वो लोअर होगा, तो बाहर वाला जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और अंदर का जो होगा वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन मूवमेंट बताते हैं, जो हाइयर कंसंट्रेशन होगा उससे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो हाइयर कंसंट्रेशन वाले को हम लोग हाइपरटोनिक कहेंगे। इसका भी हम आपको एक शॉर्ट वीडियो दिखाते हैं। लिया
ये देखिए यहाँ पे हमने एक पोटैटो लिया था, आलू, आलू को बीच में से काट दिया था, बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन रखा था और अंदर नॉर्मल सॉल्यूशन था, तो मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हुआ, आपको दिखेगा अभी बच्चों क्या प्रॉब्लम होगी इसे, वेट कुछ कष्ट हो गया था, घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आज हमारा मोमेंट ओबेसिटी का एक्सपेरिमेंट को चेक करने का, जहां हम एक आलू को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे जिससे कि उसके अंदर का पानी बाहर आ जाए। तो हमने आलू को छिला, अपनी कारीगरी दिखाई और सारा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। अब हम लेते हैं इस कटे हुए छिले हुए आलू को, जिसको हम बहुत मेहनत से छिले हैं, मास्टर शेफ में भी जा सकता हूँ, और इसके अंदर भर दिया हमने थोड़ा सा पानी जो कि आपको दिख रहा है, और किनारे भरा पानी, उसमें डाला नमक और इसमें भर दिया पानी, आपको दिख रहा होगा मार्कर से हमने सेलेक्ट कर लिया, और ओवर द टाइम इसमें से पानी का एक्सोस्मोसिस होगा क्योंकि वाटर का लेवल कम होगा क्योंकि वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है। आपको दिख रहा होगा नीले रंग का मार्कर और उससे वाटर लेवल लगातार लगातार घटता जा रहा है, और ये दिखाता है कि जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटॉनिक है और एक्सोस्मोसिस का फंक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। ये कहानी बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कि ये एक्सोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा था तो बाहर मूवमेंट कर रहा था, तो बाहर का सॉल्यूशन हाइपरटॉनिक था, अंदर का हाइपोटॉनिक था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात होती है, सॉल्यूट हाइयर टू लोअर मूव करता है और सॉल्वेंट लोअर टू हाइयर मूव करता है। ये हम आपको ऑस्मोसिस में बता देते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉल्यूट मूव्स फ्रॉम हाइयर टू लोअर, सेम एज डिफ्यूजन, हाइयर टू लोअर। सॉल्यूट मतलब नमक जो है वो हाई कंसेंट्रेशन से लो जाएगा, और सॉल्वेंट जो है वो लो कंसेंट्रेशन टू हाई कंसेंट्रेशन। जैसा कि आपको अभी वो शॉट दिखाया गया था, उसमें पानी जो है अंदर से बाहर आ गया था, पानी का कंसंट्रेशन वैसा था, ठीक है। और आइसोटॉनिक जो होता है, आइसोटॉनिक में सेम कंसंट्रेशन होता है, सेम कंसंट्रेशन होता है, जिसके कारण नो नेट मूवमेंट टेक्स प्लेस, नो नेट मूवमेंट टेक्स प्लेस। ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब हाई टू लो नहीं, लो टू हाई होगा, ऊपर से नीचे पानी नहीं गिरेगा, नीचे से ऊपर गिरेगा। तो क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है, तो इसको क्या चाहिए होगा, इट विल रिक्वायर एनर्जी, और किस फॉर्म में, एटीपी। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट by using energy in the form of ATP is known as active transport। अब कई बार क्वेश्चन में आपसे बच्चों passive transport भी पूछा जाता है, तो passive transport क्या होता है, बाकी जितने आपने पढ़े, diffusion पढ़ा, osmosis पढ़ा, imbibition पढ़ा, वो सारे होते हैं passive transport क्योंकि उसमें energy use नहीं होती है, और ये होता है active transport क्योंकि इसमें energy use होती है। I hope आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो आपको और बेटर के लिए ये बता देते हैं, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, ये पॉइंट ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, हाइपोटोनिक है लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन एंड हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हाइपोटोनिक में हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन होगा, हाई सॉल्यूट होगा और लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। अब सवाल आता है कि रूट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब रूट प्रेशर लग रहा होगा। रूट प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंट से कंफर्म किया, अब आइए रूट प्रेशर को कंफर्म करते हैं।
अब ये हम इस्तेमाल करते हैं मैनोमीटर, हम लिख देते हैं रूट प्रेशर। बढ़िया पूछते हैं, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई, रूट प्रेशर इज मेजर्ड बाई मैनोमीटर, मैनोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, हम एक स्टंप लेते हैं, मतलब क्रिकेट वाला स्टंप की बात नहीं हो रही है बच्चों, हम एक पॉटेड प्लांट लेते हैं जिसमें थोड़ा सा शूट बचा होता है, शूट बचा होता है, उस शूट को रबर ट्यूब से लगाते हैं, मैनोमीटर से एक पाइप निकलता है और उसी में डाल देते हैं, उसमें एक्सुडेड लिक्विड होता है जो इससे बाहर निकल रहा है। अब वो लिक्विड इस मैनोमीटर में भरा होता है मरकरी, उस मरकरी को पुश करता है, जितना ऊपर पुश करता है मतलब उतना रूट प्रेशर लग रहा है, ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो जितना लिक्विड ऊपर जाएगा उतना प्रेशर, यहाँ से जो लिक्विड यहाँ से निकल रहा है स्टम्प से, स्टम्प मतलब वो स्टेम से निकल रहा है, वो लिक्विड इस मरकरी को पुश करेगा और ये मरकरी उस लेवल से ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना ज़्यादा रूट प्रेशर लग रहा है। और अगर इसका नॉर्मल मूवमेंट भी होता है, अगर मूवमेंट नहीं होता इसका मतलब रूट प्रेशर डज नॉट एग्जिस्ट, बट क्योंकि मूवमेंट होगा इसका मतलब रूट प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है। बट अब क्वेश्चन ये आया बच्चों कि इस रूट प्रेशर एनफ, इज रूट प्रेशर एनफ फॉर एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। अब सैप क्या होता है बच्चों, सैप क्या होता है, आप सवाल पूछेंगे कि सर व्हाट इज एसेंट ऑफ सैप, तो आपको बताते हैं, प्लांट में जो फ्लूइड होता है, जो लिक्विड होता है, जो फ्लो कर रहा है, वो सिर्फ वाटर नहीं होता, उसमें मिनरल्स भी होते हैं और बहुत ढेर सारी चीजें डिसॉल्व होती हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सैप। एसेंट ऑफ सैप का मतलब उस सैप का ऊपर जाना, उस लिक्विड का ऊपर जाना। तो ये क्वेश्चन आया कि क्या सिर्फ रूट प्रेशर से वो लिक्विड जो एब्जॉर्ब कर रहा है रूट उसे ऊपर भेजेगा, तो ये पता किया गया कि ओनली रूट प्रेशर कैन पुश वाटर अप टू 5 to 6 meters, बट जो एप्पल ट्रीज होती हैं, एप्पल ट्रीज वो 30 मीटर की होती हैं, तो वहां कैसे जाता है। तो दो चीजों की बात हुई बच्चों, इसके अलावा एक हुआ ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा आया एडहेशन एंड कोहेशन। अब सबसे स्टार्टिंग में आपने देखा था, वो स्लाइड पता नहीं कहां चली गई, चलिए अभी दिखती है तो आपको जरूर बताते हैं कि ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब ये रहा रूट हमारा और ये मान लेते हैं यहां रहा लीव्स, वाटर यहां से एब्जॉर्ब हो रहा है और लीव्स तक जा रहा है। वाटर में एक स्पेशल क्वालिटी है कि वाटर इस चेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस चेन के फॉर्म, मतलब अगर हम ऊपर से एक चेन खींचेंगे तो नीचे से ये भी चेन ऊपर जाएगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, चेन पुल हो रही है, तो चेन पुल हो रही है तो सारे ऊपर जाएंगे। तो ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, जो यहां पे चेन होती है, आपको चेन दूसरे कलर से दिखा देते हैं, एक चेन ये बनी हुई है, ठीक है। अब ये चेन अगर बाहर निकल गई तो ये वाली चेन ऊपर खींच जाएगी, और ट्रांसपिरेशन पुल इसी को कहते हैं, ट्रांसपिरेशन मतलब लॉस ऑफ वाटर, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल आएगा और इसके कारण ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये इसकी जगह लेगा, ये ऊपर खींचता चला जाएगा और इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल हो जाएगा। आपको हम दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, लेट मी सर्च pulling of chain, GIF, अगर हमें दिखता है तो हम आपको दिखाते हैं, ये आपको
कुछ सुंदर सा दिया गया ठीक है। तो यहाँ पे चेन खींच रहे हैं भाई साहब, क्लियर होता तो बहुत अच्छी बात होती। चलिए कोई बात नहीं, हम नहीं दिखा पा रहे आपको, पहले से खोज के रखना चाहिए था। बट आप समझ रहे हैं मेरे हिसाब से कि चेन एक ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा, तो इसी को कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल अलॉन्ग विथ रूट प्रेशर हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने में, सैप को ऊपर खींचने में। इसके अलावा एडहेशन और कोहेशन, एडहेशन होता है अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो जो वाटर है, वाटर जिस पाइप से जा रहा है उस पाइप से ऐसे लग के जा रहा है, जैसे कि अगर ये ऊपर जा रहा है तो बीचों बीच से नहीं जा रहा है, ये हमसे ऐसे सट के जा रहा है। तो ये जो हमसे सटा हुआ है, हमसे चिपका हुआ है, ये वाला जो फोर्स है ये कहलाता है एडहेशन। और कोहेशन होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स। तो ये जो चेन बन रहा है वाटर का, ये जो वाटर का चेन बन रहा है बच्चों, ये कोहेसिव फोर्स के कारण बन रहा है। और जो ये चिपक कैसे जाएगा इसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। तो एसेंट ऑफ सैप में तीन लोग हेल्प करते हैं, पहला तो आपका रूट प्रेशर हो गया, तो प्रेशर अप्लाइड बाय द रूट इज रूट प्रेशर। दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल ड्यू टू ट्रांसपिरेशन होता है, और एडहेशन और कोहेशन। तो ये होता है आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। नोट्स के लिए आप हमसे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, जहां आपको पूरा नोट्स, इसके साथ एक और नोट्स मिल जाएगा टाइप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।